ये है अलकनंदा और ये है भाग्यरथी। जो भाग्यरथी मिली है ये तेज आवाज इसमें से आते क्योंकि सीधा। तो भाई यहाँ पे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया तो इस चक्कर में रुके, उनको पट्टी वट्टी फर्स्ट एड किट पड़ी है तो फर्स्ट एड वगैरह देंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो आज हमारे ऋषिकेश में डे टू, तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? हम देवप्रयाग जा रहे हैं। अभी हम रुके थे यहाँ पर होटल में कालाकृति, है ना, कालकृति होटल में हम रुके थे त्रिवेणी घाट। और बता रहे हैं बहुत तगड़ा, मतलब वहाँ संगम होता है तो संगम दिखाएंगे। बाकी सोची तो हमने थी 7 बजे निकलने की, पर 8 बज चुके हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से। रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई थी और 8 बज गए अब। 8 बजे तो धूप ऐसी कैडी धूप लग रही है। बाकी दिखाएंगे आपको पूरा वहाँ पे जाके संगम, तो बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर है, 2-3 घंटे का रास्ता है। तो ये पार दिया है हमारे भाई ने, और ये दो भाई आए हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। हेलो भाई, हेलो। ये अलग अलग बाइक को पे आए हैं दो जने। ये साफ भी क्या कर दिया है नाश, अभी से बनाएंगे बाइक का कपड़ा। यार गंदी हो रही थी मेरी साफी। तो ये हमारा सुनील भाई, लव यू बेबी, बाय, लव यू टू। क्या भगवान की जय। तो गाइस अपने डेस्टिनेशन पे, रास्ता श्रीनगर भी जाता है, गौरीकुंड और 3-4 जगह और जाता है। यहाँ पे एक तो ये साइलेंसर फाड़ने वाले बहुत दुखी कर रहे हैं, और बड़े प्यारे नज़ारे हैं यहाँ पे। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है, बाकी तो बढ़िया ये चल रहे हैं अपने। और वो दो पीछे रह गए, वो फ़ोन करके आ रहे हैं। बाकी यहाँ से नीलकंठ वगैरह सारे रास्ते जाते हैं। ये नीलकंठ जाने का रास्ता है, और मेरे ख्याल से सीधा वहाँ जाएंगे देवप्रयाग। तो बाकी देखते हैं, सीधा ही जाएंगे वैसे तो। ये रास्ता देवप्रयाग जाता है। तो गाइस ये बारिश की वजह से और ये लैंडस्लाइड, और जा रहे हैं वैसे तो, देखते हैं। आगे भी बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो ही रही है, अभी पुलिस वाला बता रहा था। तो वहाँ पे इतना मौसम ख़राब नहीं बता रहे रुद्रप्रयाग पे, उसके ऊपर ख़राब बता रहे हैं। बाकी देखते हैं, भोलेनाथ के धाम पे जल तो चुके हैं, वहाँ से जल उठाओगे ना भाई? देवप्रयाग से जल उठाएंगे। बाकी भोलेनाथ के नाम से जा रहे हैं तो ठीक ठाक ही हो भाई। बारिश की वजह से सारे पहाड़ खिसके हुए और ये लैंडस्लाइड हो रखी है। बस ऊपर जाके बारिश ना आए, अगर ऊपर रास्ते में बारिश आ गई ना तो खतरा बढ़ जाएगा। तो बस बोले बाबा बारिश मत करवाना। भाई सर 2 किलोमीटर पे लैंडस्लाइड है यहाँ पे, 2 किलोमीटर भी ज़्यादा बोल दिया, 100 मीटर पे, हर 100 मीटर पे लैंडस्लाइड हो रही है देखो। तो भाई शिवपुरी पहुँच चुके हैं, वो एक भाई पेट्रोल डलवा रहे, देखो गाय माता, जय हो माता बाबा, बोले बाबा। लैंडस्लाइड है देखो, यहाँ पे जेसीबी ने अभी हटाया है, और भाई साहब अब तो डर का माहौल बन रहा बंदों के बीच में। तो भाई ये बंदे मजे ले रहे हैं वाटरफॉल के, आगे ही रुकेंगे, इससे तगड़ा मिलेगा आगे कोई। ये वाला नीचे वाला रास्ता था, रोकेंगे भाई रोकेंगे। ये देखो यहाँ से नीचे से गंगा माता बह रही है, जैसे तो उसमें देखे थे ना रास्ते, मनाली में रास्ते थे, जैसे साइड में से पार्वती नदी बह रही थी और यहाँ से गंगा नदी बह रही है नीचे से, बढ़िया बिल्कुल नज़ारे आ रहे हैं। पहले नीचे वाला था वो रास्ता, अभी ऊपर वाला हो चुका है, ये बढ़िया बना रखा है नया। इस पहले स्टॉप ले लिया हमने चाय वाय पीने के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए भी अपना पहला स्टॉप है, चौहान जी फेमस बता रहे हैं अपने आपको। और यहाँ से 30-38 किलोमीटर रह चुका है, तो अब यहाँ पे चाय वाय पी के फिर जाते हैं, देखते हैं पराठे वराठे क्या है क्या नहीं है यहाँ। व्यू चेक करो गाइस, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। यहाँ से रह गया कुछ 31 किलोमीटर और लास्ट देखो बिल्कुल जेड बनाना पड़ रहा है यहाँ तो। बाकी दोस्त हैं वहाँ पर, रास्ते तो ख़राब होते जा रहे हो, ऑफ रोडिंग भी ऐसी हो रही है, ऑफ रोडिंग बिल्कुल ही। तो
रास्ते मतलब बार बार लैंडस्लाइड, एक गाड़ी निकलेगी तो वो बाइक भी दूसरी नहीं निकल सकती, सिर्फ एक गाड़ी सिंगल निकल सकती है। और ये देखो झरने तो बहुत हैं, अभी बीच में देखते हैं बाकी कोई बढ़िया सा और झरना मिला तो रोकेंगे। कोई बढ़िया था बिल्कुल नहाने लायक झरना, अभी 30 किलोमीटर रह गया, हम रोकेंगे 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जो झरना। ये देखो गाइस इस चक्कर में रुके, उनको पट्टी वट्टी फर्स्ट एड किट पड़ी है तो फर्स्ट एड वगैरह देंगे, ज़्यादा लग गई। हाँ इसलिए बोलते हैं पहाड़ों पे भी सेफ। देखो यहाँ पे बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है, अब यहाँ पे लगाएंगे जो कि यहाँ से माना गाँव भी 200 कुछ किलोमीटर रह गया, श्रीनगर 40 रह गया, और वो कितना रह गया अपना केदारनाथ 130। तो अभी इंजन ऑयल थोड़ी दिक्कत रहा था। अरे अब इसको ठीक मत करना ना, अभी उड़ाते की। हाँ सीधा ब्रेक देना भी इसे, है ही नहीं हाँ, और बीच में और पहाड़ों के बीच में फंस गए तो और दिक्कत है ज्यादा। भाई ऐसे ही कर देना बस, दिल्ली उल्टी चले जाए, वहाँ जाके दोबारा करा लेंगे। तो भाई यहाँ से रह गया 7 से 6 किलोमीटर देवप्रयाग, और यहाँ पे भोले बाबा की एक और विशाल मूर्ति है, जैसे ऋषिकेश में है वैसी सेम मूर्ति है, जय हो भोलेनाथ और शिवलिंग भी। बाकी पहुँच के दिखाएंगे अब तो उन भाई ने। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं संगम पे, गोरी भाग्यरथी और गोरी अलकनंदा, अरे गंगा जी बन जाती है यहाँ पे भाई। कौन फोटो? तो भाई ये है अलकनंदा और ये है भाग्यरथी, जो भाग्यरथी नदी है ये तेज आवाज इसमें इसलिए आती है क्योंकि ये सीधा ऊपर से गौमुख से आती है, और ये जो ये आती है बद्रीनाथ से एक दो संगम पहले हो जाते हैं इस नदी के अलकनंदा के इसलिए, और यहाँ पे आके गंगा जी बन जाती है। बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी दिखाते हैं नीचे जाके, यहाँ से अपने भाई जल उठाएंगे। तो भाई यहाँ से रास्ता है और दूसरा रास्ता एक नीचे से बता रहे हैं पुलिस चौकी है उसके बाद से, बाकी यहाँ से बता रहे थे एक भाई बता रहे थे सीढ़ी ज़्यादा है, और अगर ये सामने की साइड वाला नहीं हुआ तो वापस निकल के फिर सामने से जाएंगे। वैसे तो बता रहे कि यहाँ से सामने जा सकते हैं एक अंकल जी, आ जाओ भाई आ जाओ। तो भाई ये है और यहाँ से नीचे से जाएंगे, फिर वहाँ से घूम के सीधा उस पे जाएंगे, फिर वहाँ से और वहाँ से आगे से आते तो पूरा घूम के वहाँ से उतर के आना पड़ता, वो सीढ़ी दिख रही है सामने वहाँ से नीचे उतर के आना पड़ता। तो अब जा रहे हैं, गर्मी तो हो रही है बहुत तगड़ी, बाकी दिखाते हैं। तो भाई ये भी एक राम झूले की तरह ही है, ये भी हिल रहा बढ़िया करके, ये हो रहा संगम भाई, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा। ये है भाई, जय हो गंगा मैया। तो ये हो रहा है जी संगम दोनों का, और वहाँ पे वो शिला जो बताते हैं वो जी वो शिला, जय हो भाई। इसके भरोसे में जाओ भाई जी, रस पैसा टूट जाएगा, मैं जाऊँगी जा रही हूँ रिक्शे बोले। तो यहाँ से भाई जा रहे हैं अब जल भरने, यहाँ से भरना, यहाँ से आगे से यहाँ पे दोनों संगम होगी ना, इधर की साइड से भरो, आ दो। यहाँ से भरो ना, इधर से भरो या तो इस कोने से भरो या यहाँ से भरो, हाँ इस कोने से भर लो, यहाँ संगम ही हो गया, वो देखो ना वो लहरें दोनों में संगम हो गया, तो गंगा जी बन गई। और अगर नहीं मन मान रहा तो भाई वहाँ से भर लेना। तो भाई सब इस ब्लॉक को करते हैं यहाँ, नहा धो लिया है, अब यहाँ से जा रहे हैं नीलकंठ, नीलकंठ यात्रा देखने के लिए दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।